नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, मलेशिया से रिलेटेड कुछ आपने लोगों ने कमेंट किए थे तो मैं शॉर्टली तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ नए आने वाले टॉपिक पे सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंकज शर्मा जी बोलते हैं, अशोक जी कैसे हो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं इस टाइम मलेशिया में हूँ, क्या सिंगापुर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और खर्चा कितना होगा, कौन सा वीज़ा से करूँ? तो मेरे भाई देखिए, मैं बता दूँ आपको कि आप सिंगापुर में, आप मलेशिया में हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई रूल वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया नहीं कि आप थर्ड पार्टी हो गए इंडिया टू मलेशिया, मलेशिया टू सिंगापुर आप विजिट कर सकते हैं विजिट वीज़ा से, लेकिन परमिट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई एजेंट बोल रहा है तो बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसा संभव नहीं है भाई। आजाद खान बोलते हैं, सर DP10 मलेशिया में नर्स के लिए भी है क्या और वहाँ पर जॉब कर सकती हैं क्या? बिल्कुल भाई, देखिए DP10 वीज़ा की कैटेगरी अलग अलग होती है, तो बिल्कुल आप DP10 से वहाँ प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हैं, यहाँ से वीज़ा लेके बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मलेशिया का वीज़ा है, DP10 है, तो उसमें कई तरीके के जॉब उसमें शामिल होते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक भाई है, इन्होंने, मैंने एक वीडियो डाला था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि 50,000 रुपये सैलरी 12 घंटे ड्यूटी का मिलता है, तो उन्होंने आंसर किया। अनुज चंद जी बोलते हैं, भाई मलेशिया में 50,000 सैलरी नहीं है। जी हाँ साथी, भाई देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि 50,000 ऐसे कोई ये नहीं है, बड़ा 50,000 देखने में बड़ा होता है 50,000, लेकिन उसको डिवाइडेशन करो ना। सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन में 7-8-9 रुपये पर घंटे मिलता है, 8 घंटे प्लस जो 4 घंटे होते हैं ओवर टाइम में 1.5 गुना मिलता है, सब पूरी दुनिया को पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। आपको नहीं मिलता उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपको नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे किसी को नहीं मिला, मतलब वो कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पता आपको नहीं है, दुनिया को दोष दे रहे हो। और आपका रिप्लाई एक भाई ने अच्छी तरीके से दे भी दिया, ये बोलते हैं हार्दिक जी बोलते हैं, भाई मैं अभी मलेशिया में हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए 12 से 15 RM प्रति घंटे मिलते हैं, जॉब में 10 घंटे पर हाउस के हिसाब से प्लांटेशन कंपनी, यानी ये भाई बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने तो 7-8 रुपये आपको बताएं, ये बोलते हैं 12 से 1500 RM भी बोलते हैं, लेकिन भैया ये झूठ तो उन्होंने बोला नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे बोला है कि 50,000 नहीं मिलते, तो इन्होंने भी तो बोला ना आपका, मतलब आपका आंसर आप ही को मिल गया, मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब आप झूठ हो या आपको पता नहीं है। आगे एक भाई बोलते हैं, महेंद्र चौधरी, अगर कोई बंदा जेल में बंद है उसको छोड़ने का गवर्नमेंट में कितना टाइम लेती है? 5 मंथ से इलीगल था बंदा, एयरपोर्ट पे पुलिस ने पकड़ लिया, उसको कितने मंथ में रिहा करना पड़ेगा? भाई देख लिए, एयरपोर्ट पे पकड़ा है इसका मतलब 420 हुई है काउंटर सेटिंग से, या फिर स्पेशल जो नकली पासपोर्ट लगाया है, तो वो बंदा 3-4 महीने के लिए अंदर जाएगा, ठीक है। 2 मुकदमे लगते हैं उस पर, एक तो फर्जीवाड़े का और एक इलीगल तरीके से, तो दिक्कत है, 3-4 महीने कम से कम अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको टिकट भरो या जुर्माना, जल्दी निकालना है तो जुर्माना करो, वहाँ पर वकील करके निकाल लो, वरना 3-4 महीने मिनिमम रहना पड़ सकता है उसको। सतीश उपाध्याय बोलते हैं, इन्होंने बोला है, कौन 1,60,000 लेता है, ये पूरा दलाली का काम है। सतीश जी मैं बता दूं आपको कि जो काम कमीशन बेस पे होता है उसको दलाली बोलते हैं, आप भी गए होंगे तो दलाल के थ्रू या एजेंट के थ्रू गए होंगे, जो कमीशन लेता है एक कौन ला एक कंस्ट्रक्शन का है, 1.5 लाख रुपये कोई ज़्यादा नहीं है भाई, लोग तो विजिट में 1.5 लाख दे के जाते हैं, तो कौन लेता का मतलब तो समझ में नहीं आता। बाकी जो वीज़ा लेके जाएगा, जिसको ज़रूरत है वो बिल्कुल दे के जाएगा, चाहे वो किसी भी एजेंट के थ्रू जाए, समझ गए बात को? तो ये आपका कमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसे कमेंट सोच समझ के किया करो आप। अश्विनी चौधरी बोलते हैं, गुड जॉब सर, मेरी प्रॉब्लम है कि कंपनी में लीगल वर्क परमिट पे काम कर रहा हूँ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब 24 मार्च 2019 को पूरा हो गया, हमें घर नहीं भेजा और हमारा 4 साल का वर्क परमिट लगा दिया गया, घर आना चाहते हैं, क्या करें? देखिए पहली बात तो बता दूं भाई, 4 साल का वर्क परमिट कोई नहीं होता, 1 साल का वर्क परमिट होता है, 4 साल का कैसे लगा दिया? बाकी आपने बोल रहे हैं 3 साल हो गए, तो बिल्कुल आ सकते हो यार, ऐसे आपकी ये तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है भाई, आपको ही कमी है कि 3 साल हो गए वहाँ बैठे और फिर आपका 4 साल का एग्रीमेंट हो गया, तो अंगूठे लगाए होंगे, साइन किए होंगे आपके, तभी तो हुआ है ना। तो इसमें गलती मैं आपकी मानता हूँ, आप एम्बेसी जाओ, वहाँ कॉन्टेक्ट करो और इंडिया आने के लिए अप्लाई करो, बिल्कुल आ सकते हो, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी। सर पासपोर्ट का डेट खत्म होता है तो क्या आउट पास लगेगा कि नहीं? आउट पास लगने का मतलब है कि आप वहाँ इलीगल हो, इंडिया ज़बरदस्ती आपको वहाँ की गवर्नमेंट निकालने के लिए आउट पास लगा के देती है कि भैया टाटा बाय बाय, ब्लैकलिस्ट होके फिर मत आना यहाँ पे, तो उसमें इतना कोई इश्यू नहीं है कि आपकी डेट खत्म हो गई, ठीक है। तो आगे हैं मिर्जा ट्रेवल्स टिप, ये लोगों को फ्री पॉकेट में ज्ञान देते रहते हैं नीचे कमेंटों में जाके, इन्होंने एक बात बोला, 1 साल का इंडिया में ही वीज़ा लगेगा, ये बात झूठ है, सिर्फ कॉलिंग वीज़ा ही इंडिया में लगता है, प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो।
तो भाई आपने ट्रिप ट्रेवल एंड ट्रिप का मैसेज तो आपने डाल रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंक्वायरी क्या है। आप झूठे लोगों के नीचे कमेंट जा जा के करते हो, आपको क्या स्वार्थ है? आपको कहीं ना कहीं कोई लालच होगा तभी आप कमेंट कर रहे होंगे। कोलिंग वीज़ा 1 साल का लगता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको बताने की जरूरत। गगन जी बोलते हैं सर मलेशिया में वर्क परमिट कौन से टाइम पे लगाएं ताकि इमिग्रेशन वाला कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली बात तो भैया वो कोई रूल नहीं है ऐसा कि वहाँ पे जो वीज़ा लगता है, अप्रैल से गवर्नमेंट ने कुछ रूल किए हैं तो 7-8 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कभी भी आप लगवा सकते हो, उसमें कोई टाइम टेबल का कोई बाउंड। किंग वर्ल्ड ट्यूब ये बोलते हैं सर मैं आई एम मलेशिया ऑल फ्रॉड, इतना ईजी नहीं है। मलेशिया में वीज़ा मिल जाता है पर इमिग्रेशन का डर रहता है, जिस कंपनी का वीज़ा है वहाँ काम नहीं होता। अब एक्चुअली में होता क्या यार कि एक दो लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है और वो लोगों को सबको ये बातें बोलते हैं, भाई आपके साथ हो गया इसका मतलब यानी कंपनी वीज़ा दे रही है और वहाँ काम नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। सर्विस सेक्टर का हर जिस कैटेगरी का वीज़ा है वहाँ जाके काम करो, इमिग्रेशन की मतलब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। वो तो मलेशिया में क्यों, इंडिया में देख लो ना, हेवी लाइसेंस या बड़ी वाली गाड़ी चला लो, पता लग जाएगा आपको, आरटीओ जब भी पकड़ेगा चलान काटेगा आपका। वो तो सब जगह रूल एक जैसे है ना, मलेशिया का क्या लेके खाया, कोई भी कंट्री में चले जाओ जिस कैटेगरी का वीज़ा उसमें काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे में करोगे तो दिक्कत होगी। वीज़ा आपके पास ड्राइवरी का है, वहाँ पे आप कारीगर का काम करोगे तो वो तो दिक्कत होगी ना आपको। मंगलाल जी बोलते हैं सर ये बताइए कि परमिट रिन्यू करवाने के लिए हर साल रुपए देने पड़ते हैं क्या? बिल्कुल भाई, हर साल ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप अपने तरीके से वीज़ा लेके जा रहे हो तो बिल्कुल आपका ही पैसा लगेगा। अगर कंपनी का है, कंपनी में सिस्टम है तो कंपनी देती है। जस्ट फोटो शूट बोलते हैं सर कैसे पता चलेगा मलेशिया में सर्विस सेक्टर का वीज़ा लगना बंद हो गया जबकि 1 अप्रैल से बाकी वीज़ा लग रहे हैं? भाई कमेंट भी पता नहीं यार आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, कैसे पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर का वीज़ा बंद हो गया? किसने बोला भाई बंद हो गया? किसी ने नहीं बोला कि बंद हो गया, अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं 7 तारीख से, तो उसमें आप ट्राई कर लीजिए। वीज़ा तो सब एक जैसे लगेंगे, सबकी कंडीशन सेम रहेगी। तो साथियों ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, मैंने आंसर देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पर ऐसी जानकारी और सही जानकारी आपको मिलती रहे जिससे धोखाधड़ी के शिकारों से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।